हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, और एक बार फिर से शाम के फाइनेंशियल न्यूज के साथ। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत डाउन होने के बाद कुछ रिकवर हुआ, फिर भी निफ्टी 8263 पे बंद हुआ, जो 205 पॉइंट नीचे थी। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 28,288 जो कि 28,000 के 20 लेवल के ऊपर थी, 581 पॉइंट नीचे डाउन होकर बंद हुआ है। यानी अगर आज फिर बात करें तो जो कल का सिलसिला था वो अभी भी जारी है। मोटा मोटी सारे शेयर रेड में है, एक्सेप्ट कुछ शेयर को छोड़ के स्ट्रीट पूरी रेड हुई पड़ी है अभी भी। अभी मार्केट कहाँ जाके रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट वो हिला हुआ है। स्पाइस जेट की अगर बात करें तो उसने मेजोरिटी जो भी उनके फॉरेन फ्लाइट थे वो सारे रोक दिए गए हैं। CII ने अभी गवर्नमेंट को एक SOS भेजा है। SOS भेजने का मतलब इमरजेंसी भेजा है कि जो लोन्स हैं उस लोन पे रोक लगाया जाए रीपेमेंट पे, ताकि कि जो बिजनेस के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको कुछ राहत मिल सके। साथ के साथ 250 ऐसे स्टॉक है जो कि बहुत ही लो पे चल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि वो ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे हैं। यानी कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक वो अपने जो एक बॉटम होता है वहाँ पे टच कर रखा है। उसी में एक छोटी सी राहत की बात यह है कि सेबी ने अभी कहा है कि जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो ऑडिट होता है उसके डेट को उन्होंने बढ़ा दिया है। जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी थी उसमें उन्हें 30 डेज का एक बेनिफिट दे दिया गया, यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम थे उसमें उसको देखते उसको टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया। अगर एविएशन में फिर बात करें तो इंडिगो के भी हालात ठीक नहीं है, उन्होंने अपने कंपनी की सैलरी में कट किया है। साथ के साथ सीईओ की सैलरी को 25% से कम कर दिया है। ये पूरा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है जो कि एविएशन और टूरिज्म में तो बहुत बुरी तरह से दिख रहा है। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के भी हालात वही है, 450 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, 7 मिलियन टिकट कैंसिल हुए हैं। ये रेलवे के हैं जो कि इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ये कैंसिलेशन हुए हैं। इसी में एक और बुरी खबर आ रही है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU है उसने कहा कि जो ग्लोबल ग्रोथ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास होगा 2020 का। उसका जो रीज़न उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो मार्केट का जो पूरी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी नीचे रहेगा। या इसमें एक चीज़ और है कि जो इन रुपीस की जो वैल्यू है आज भी टूट के काफ़ी नीचे हो गया। आज डॉलर वर्सेज जो रुपया का जो रेट है वो 75 रुपये के ऊपर जा चुका है। इसी बीच में TCS जो एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है वो इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो गई। वैल्यूएबल का मतलब कि जो एसेट बेस था उन्होंने रिलायंस को ओवरटेक करके इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो गई है कैपेक्स के मामले में। तो आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूलें। कल फिर से हम घर से ही लाइव होंगे और घर से ही वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ऑफिसेज अभी कोरोना वायरस की वजह से बंद किया गया है। तो हम अपडेट आपको लाते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि क्या देश और दुनिया में मार्केट में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।